इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। व्हेन ए कंडक्टर इज गिवन ए चार्ज देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। इफ मोर एंड मोर चार्ज इज गिवन देन पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द सेम रेशियो। मीन्स यदि किसी पोटेंशियल को, किसी कंडक्टर को आप पोटेंशियल गिवन करते हैं, सॉरी अमाउंट ऑफ चार्ज क्या करते हैं, गिवन करते हैं, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो आप जानते हैं कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। जैसे किसी कंडक्टर को आप अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन करेंगे तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और क्यू विल बी इक्वल सी वी। सी कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, इसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इफ सी इक्वल क्यू अपॉन वी, इफ वी इक्वल वन देन सी विल बी इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू। मीन्स कि अगर किसी भी कंडक्टर को आप इतना चार्ज गिवन करते हैं कि उसका पोटेंशियल कितना हो जाए, यूनिट वोल्ट, उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। मीन्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवेन टू द कंडक्टर, कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय यूनिटी या यूनिट वोल्ट, यूनिट वोल्ट, यूनिट। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, देखिए सी इक्वल क्या होता है, क्यू अपान वी। क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम, वी की यूनिट वोल्ट, तो इसकी यूनिट हो गई यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ सी इज कूलाम पर वोल्ट और फैरेड, या उसके उसको क्या कहेंगे, फैरेड। इफ वी इक्वल वन वोल्ट, सी इक्वल वन कूलाम अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल वन कूलाम देन सी इक्वल वन फैरेड।